उपद्रवी देश की राजधानी को दंगों की आग में झोंकने की तैयारी में हैं। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर से कोशिशें की जा रही हैं। साल चुनावी है और इससे पहले उपद्रवी देश की राजधानी को दंगों की आग में झोंकने की तैयारी में हैं। आशंका जताई जा रही है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने को कहा गया है जो CAA और NRC जैसे मुद्दे पर लोगों को भड़का सकते हैं। पुलिस की लिस्ट में वो नाम मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं जिनकी संलिप्तता 2020 के दंगों को भड़काने में आई थी। संदिग्धों के पिछले ट्रेवल और एक्टिविटी की डिटेल तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में लोगों पर नजरें हैं, उनके मूड पर नजर बनाए रखने को कहा गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में माहौल न बिगड़े। फिलहाल सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस स्टेशंस को सतर्क रहने को कहा गया है। इतना ही नहीं, CAA NRC विरोधी आंदोलन में जिन संगठन या लोगों ने हिस्सा लिया उन पर भी नजर है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस 2020 के बाद हमेशा ही सतर्क है और उन लोगों की लिस्ट बनाकर नजर रखती है जो माहौल खराब कर सकते हैं। ऐसे में अमन कमेटी का रोल बेहद अहम हो जाता है। पुलिस वैसे भी समय समय पर अमन कमेटी के साथ बैठक करती रहती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं होने की वजह से पुलिस अभी से शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है।